चीन की गलत नीतियों से बचाव को लेकर अमेरिका में नया बाइडेन प्रशासन योजना बना रहा है। अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी गिना रायमंडो ने कहा कि बाइडेन प्रशासन अमेरिकी वर्करों व उनकी बिजनेस को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जापान 2024 से पूर्वी चीन सागर के जापानी क्षेत्र में चीन के परेशान करने वाले व चीन से जुड़े खतरे को लेकर पहली बार F-35B स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात करने जा रहा है। देश में कोरोना की नई लहर का कहर, न्यूजीलैंड ने भारतीयों के आने पर 11 से 28 अप्रैल तक लगाई रोक। ब्रिटिश दवा नियामक के बुधवार को कहा कि देश में 30 साल से कम उम्र के लोगों को ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की जगह वैकलिफ वैक्सीन दी जाएगी। क्वाड सदस्य देशों के बीच हिंद महासागर में चल रहे सैन्य अभ्यास को देखकर चीन की चिंता स्वाभाविक है, खासकर तब जब इस अभ्यास में अमेरिका के साथ भारत की नौसेना भी हिस्सा ले रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच नाइजीरिया में इस संदिग्ध बीमारी के प्रकोप में 50 की मौत, 8 राज्य प्रभावित। कांगो में 2.7 करोड़ से अधिक लोग भीषण भुखमरी से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के मुताबिक ये संख्या कांगो की अनुमानित 8.7 करोड़ की आबादी की तकरीबन 1/3 है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने की अपील। पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा रूस, देगा उच्च तकनीक वाले हथियार और युद्ध अभ्यास भी करेगा। पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देगा लोगों का ये रवैया, सरकार को मजबूर न करे जनता, इमरान खान। देश में फैला माफिया कारोबार पर बुकेश का राज, इनका अब बच पाना मुश्किल, इमरान खान। उइगर मुसलमान में रिपोर्टिंग करने वाले बीबीसी संवाददाता का उत्पीड़न, सुरक्षा कारणों से छोड़ा चीन। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वह भारत और पाकिस्तान को तमाम मसलों पर सीधी बातचीत के लिए प्रोत्साहित करेगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने इमरान खान सरकार द्वारा भारत से चीनी और कपास का आयात नहीं करने के फैसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। डाउन सिंड्रोम, इससे ग्रस्त बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वे सामान्य बच्चे से अलग व्यवहार करते हैं, उनका विकास भी सही तरीके से नहीं होता। अब एक नए अध्ययन से सामने आया है कि ऐसे बच्चों में ब्लड कैंसर का भी खतरा ज्यादा रहता है। बाइडेन के विशेष दूत बोले, सामरिक के साथ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भारत एक बड़ा भागीदार।
सभी अमेरिकी वयस्क 19 अप्रैल से लगवा सकेंगे कोविड 19 वैक्सीन, बाइडेन ने जारी किए निर्देश। भारत से आयात पर पाक ने लगाई रोक, अमेरिका ने किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। मंगल ग्रह के आसमान में बना इंद्रधनुष, नासा के मार्स रोवर ने खींची कमाल की फोटोज। पाकिस्तान को लगी मिर्ची, अनुच्छेद 370 सऊदी अरब ने दिखाया पाक को आईना, मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत। कोरोना के नए आंकड़ों से एक बार फिर सहमा देश, कई राज्यों में दिखने लगी सुनसान सड़कें। फिल्म मेकर संतोष गुप्ता की पत्नी और बेटी ने की आत्महत्या, घर में बंद होकर खुद को लगाई आग।